अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़र और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, कि आप मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों के अंदर कैसे बदल सकते हैं, ये हमने आज करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब आज के अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमारे पास इनके कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, हमने आज इनको डिस्कस करना है। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम मुस्बत जुमलों को, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको हम नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो आप देखिए कि ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला दिया हुआ है और इसको हमने नेगेटिव के अंदर बदलना है। तो फार्मूले में हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। और नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमने सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है और हमारा ये नेगेटिव जुमला बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ही वर्क्स हार्ड, ये हमारे पास दोस्तों पहला सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड। तो इसको, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, अब हमने इसको नेगेटिव में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, निहायत ही आसान तरीका, आप ही डज नॉट या डजंट वर्क हार्ड, आप इसमें डज साथ लगा देंगे उसके बाद नॉट लगा देंगे तो ये ही डज नॉट या ही डजंट वर्क हार्ड, वो मेहनत करता है वो मेहनत नहीं करता है। ही शी इज़ रीडिंग अ नावल, वो नावल पढ़ रही है। तो इसको अब आपने कैसे बदलना है, शी इज़ नॉट रीडिंग अ नावल, इस के बाद आप नॉट लगा देंगे और मेन वर्ब वही रहेगा उसी तरह, शी इज़ नॉट रीडिंग अ नावल, या फिर आप इज़ नॉट को जोड़कर इजंट भी लिख सकते हैं, ये आज की मॉडर्न इंग्लिश में लिखा जाता है। उसके बाद है आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊँगा। अब हमने इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है, तो किस तरह बदलेंगे, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, तो हमने ये विल के बाद नॉट लगा दिया तो ये आ जाएगा आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊँगा। They have gone, वो जा चुके हैं, तो इसे हम बदलेंगे They have not gone या They haven't gone। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस She will have prepared her test, वो अपना टेस्ट तैयार कर चुकी होगी, तो ये हो जाएगा She will not have prepared her test, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं will not have को won't have, आप इसको यूँ भी इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये तो थे सेंटेंसेस में, जुमले टेंसेस में। अब हम कुछ सिंपल ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हम पोजेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी पोजेशन वाले मलकियत वाले जुमले, कि जिसमें हम किसी शख्स की मलकियत का जाहिर करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर दोस्तों हम नो भी लगा सकते हैं, एन ओ नो, और नॉट भी लगा सकते हैं। अब मेरे पास एक जुमला है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं आई डू नॉट हैव अ पेन, या फिर आप यू सिंपल भी लिख सकते हैं आई हैव नो पेन, हैव के बाद आप नो लगा देंगे आई हैव नो पेन हो जाएगा। इसी तरह एक और सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ही डज नॉट हैव अ कार, या फिर ही हैज़ नो कार, तो आपने हैज़ के बाद नो लगा दिया। अगर नॉट आप लगाएंगे तो फिर डू हैव या डज हैव का आना ज़रूरी है। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा तारुफ इसके मतलब कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से बदलते हैं, तो वो हमने आज तरीका सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।